खूबसूरत लड़कियों के मुकाबले इस देश को कोई नहीं हरा सकता। इस देश में 57% सिर्फ महिलाएं हैं, जबकि 43% ही पुरुष हैं। साथ ही यहाँ के नेशनल पार्क, नाइट लाइफ और यहाँ के कल्चर को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं स्कॉटलैंड के सफर पे। दोस्तों, अगर आवाज पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, स्कॉटलैंड में ठंड काफी ज्यादा पड़ती है, जिस वजह से सूरज निकलता है तो यहाँ के लोग त्योहार के रूप में इस दिन को सेलिब्रेट करने लगते हैं, और वो भी अपने हिसाब से। हाइकिंग और वाइल्ड स्विमिंग करने के लिए यहाँ का ट्रेसिक नेशनल पार्क काफी ज्यादा फेमस है। स्कॉटलैंड एक ऐसा देश है जहाँ जनसंख्या बढ़ती ही नहीं है, और जो यहाँ की आबादी है उस हिसाब से महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफी ज्यादा है, जिसके कारण कई लड़कियां और महिलाओं को तो पुरुष मिल ही नहीं पाते। इसे ध्यान में रखकर यहाँ के कानून ने देह व्यापार को मान्यता दे दी है, इसलिए बहुत सी महिलाएं इस काम को करती है। दोस्तों, ये देश इतना सुंदर है कि जो एक बार यहाँ चला जाता है ना, उसका वापस आने का मन करता ही नहीं। स्कॉटलैंड पर हमेशा से कुदरत की मेहरबानी रही है। प्रकृति के शानदार नजारों के लुत्फ उठाने के लिए दुनिया भर में इस देश से बेहतर दूसरी जगह कोई हो ही नहीं सकती। यहाँ की खूबसूरती, नाइट पार्टियाँ और रेड लाइट एरिया को देखने के लिए लाखों टूरिस्ट हर साल घूमने आते हैं, और इसी वजह से स्कॉटलैंड के टूरिज्म इंडस्ट्री को काफी फायदा भी होता है। दोस्तों, स्कॉटलैंड की एक और विश्व प्रसिद्ध पहचान ये है कि यहाँ पर बैगपाइपर संगीत की उत्पत्ति हुई थी। अपना खास संगीत और संस्कृति के साथ दुनिया भर में लोग इन्हें पसंद करते हैं। इनके अलावा स्कॉटलैंड में ड्रम बजाना भी लोगों को काफी पसंद होता है। दोस्तों, भले ही इस देश की जनसंख्या सिर्फ 55 लाख हो, फिर भी इसे साइंटिस्टों का देश कहा जाता है। ये वही देश है जिसने टेलीविजन और फोन जैसी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीजों का आविष्कार किया है, और स्कॉच विस्की आज दुनिया भर में बेची जाती है, जिसका आविष्कार भी स्कॉटलैंड में ही हुआ था। पर आपको क्या पता था कि दुनिया की सबसे पहली कलर फोटो स्कॉटलैंड में ही ली गई थी? दोस्तों, स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग सिटी है, लेकिन सबसे बड़े शहर का सम्मान ग्लासगो को मिला हुआ है। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि इस देश के 54% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, और 36% में ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म पर यकीन नहीं रखते। यहाँ की नाइट लाइफ काफी अच्छी होती है, जिसमें खास तौर पर लोग सैटरडे और संडे की नाइट को खूब मस्ती करते हैं, इसलिए वीकेंड्स पर यहाँ पर काफी भीड़ देखने को मिल जाती है। राजधानी एडिनबर्ग में हर साल कला का एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है, जिसे यहाँ के लोग फिंच कहकर बुलाते हैं, और ये मेला 25 दिनों तक चलता है, जिसे सितंबर और अक्टूबर के महीने में लगाया जाता है। दोस्तों, इस मेले में लाखों लोग शामिल होने आते हैं। स्कॉटलैंड में 3 राष्ट्रीय भाषाएं हैं, एक अंग्रेजी, दूसरी स्कॉट और तीसरी स्कॉटिश गैलिक है। स्कॉटलैंड बहुत ही सुंदर और छोटा देश है, जो सिर्फ 80,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, और यहाँ का नेशनल एनिमल यूनिकॉर्न है। स्कॉटलैंड में पैसे के रूप में पाउंड स्टर्लिंग चलता है, जो भारत के 94.14 रुपीस के बराबर होता है। यहाँ की महिलाएं खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही खुले विचारों की भी होती हैं, इसलिए यहाँ पर महिला हो या पुरुष, दोस्ती बहुत जल्दी कर लेते हैं, और एक बार दोस्त बनाने के बाद ये उस दोस्ती को निभाते भी हैं। स्कॉटलैंड एक पहाड़ी देश है, जो कि ग्रेट ब्रिटेन के उत्तरी भाग में आता है। दोस्तों, ये अपनी पुरानी विरासत और आधुनिकता को बेजोड़ संगम भी दिखाता है। यहाँ के लोग का आमतौर पर बालों का रंग लाल होता है। इसी के साथ यहाँ की लड़कियाँ और महिलाएं घुटनों के ऊपर कपड़े पहनना पसंद करती हैं, जो कि यहाँ की एक पुरानी संस्कृति का हिस्सा भी है। ये देश करीब 790 आइलैंड से मिलकर बनाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ साफ नीले पानी के बीच ऐसी ही कोई कमी नहीं है, और लोग अक्सर यहाँ पर काफी समय बिताकर एंजॉय करते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस देश में जाने का मौका मिले तो आप किसके साथ जाना पसंद करोगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा।